हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है SS एग्जाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। चलिए आज अपन जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे जिसका क्या नाम है CAG DPC एक्ट 1971। CAG तो अपन जानते ही है, जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डीपीसी का मतलब है, डी का मतलब है ड्यूटीज, पी का मतलब है पावर और सी का मतलब है कंडीशन ऑफ सर्विस। ये एक्ट 1971 से इफेक्ट हुआ था, तो ये 1971 कहते हैं। ये देखिए, ये एक्ट अपने लिए क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये एक तो क्या है कि दो ग्रुप्स में आया करता है। जैसे अपन बात करते हैं, अपने कॉमर्शियल ऑडिट के पेपर की बात करेंगे, ग्रुप वन और ग्रुप टू, तो उसमें जो ग्रुप वन है उसके PC 5 में और ग्रुप टू है उसके PC 26 में, इन दोनों में ये क्या है, आया करता है। ठीक है, अब देखिए, जो अपन डीपीसी एक्ट जो भी अपन क्या है साइट से डाउनलोड करते हैं, तो अगर आप वो देखेंगे तो वो 54 पेजेज का डीपीसी एक्ट है, लेकिन अपने को उसमें पढ़ना कितना है एग्जाम के पर्पज से, 21 पेजेज उसमें पढ़ने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका, CAG डीपीसी एक्ट का। अब देखिए, अगर आप उसके आगे बढ़ते हैं तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट दी हुई है, उसमें 1 से 9 तक पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसमें अपने को सारे पॉइंट पढ़ने जरूरी नहीं है, उसमें अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं अपने को, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, तीसरा जो अपना CAG DPC एक्ट के बारे में दिया गया है, और चौथा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट भी अपने को पढ़ने जरूरी नहीं है, बस उतना पता होना चाहिए कि कितनी बार अमेंड हुआ और कौन कौन से ईयर में हुआ, तो उसके अपन डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, आपने सुना होगा कि एक SAI होता है, SAI, या अगर अपन आपने फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि SAI, बहुत सारी जगह पे वहां पे लिखा हुआ होता है। तो SAI का मतलब होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया का अगर अपन SAI की बात करें तो इंडिया का SAI कौन है? CAG है। तो ये SAI क्या है, ये अपन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में बात करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में जो भी जिस भी कंट्री का जो भी ऑडिटर होता है उसको SAI बोलते हैं। जैसे इंडिया का SAI कौन हुआ? CAG हुआ। ऐसे कोई दूसरी कंट्री उसका SAI कौन हुआ? तो जो भी होता है उसके लिए ये SAI वर्ड यूज किया जाता है। अब अपन शुरू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 तक जो CAG के बारे में दिया गया है, इसीलिए CAG को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया हुआ है तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ तो वो क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद में अपन डीपीसी एक्ट के जो भी सेक्शंस है उसकी 1 बाय 1 बात करेंगे, और अमेंडमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि जितनी बार हुआ है उनकी बात करेंगे, उसके अंदर अपन कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। हाँ, तो अपन सबसे पहले किस चीज की बात करेंगे, अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में जनरली क्या होता है कि जो भी उसमें पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, डीपीसी एक्ट के बारे में बताया गया है, और कितनी बार अमेंडमेंट्स हुआ ये बताया गया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, केवल देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 148 से 151 में बताया गया है, जो कि चैप्टर 5, जो भी अपने संविधान है उसका चैप्टर 5 है, उसके इस आर्टिकल में CAG के बारे में बताया गया है। डीपीसी एक्ट की बात करेंगे, डीपीसी एक्ट में कितने हैं, 4 तो चैप्टर हैं, और सेक्शंस कितने हैं, 126 सेक्शन हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 129 क्या दिया गया है, CAG की कंडीशन ऑफ सर्विस दी गई है। सेक्शन 10-12 में अकाउंट्स रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं यूनियन और स्टेट के। सेक्शन 13-20 में ऑडिट रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं कि वो किस किस की ऑडिट रिसिप्ट की, एक्सपेंडिचर की, उसके बारे में। 21 से 26 में क्या है, मिसलेनियस प्रोविजन दिए गए हैं, जिनकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे।
उसके साथ अपन इसमें अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें चार बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार 1976 में, 1984 में, 1987 में, 1994 में। तो ऐसे करके इसमें चार बार अमेंड हुआ है। अभी अपन जो पढ़ेंगे वो सब अमेंडेड ही पढ़ेंगे, वो सब अमेंड होके ही अपन जो भी पढ़ेंगे वो सब अमेंड हो चुका है, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपन शुरू करेंगे सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से, जिसमें आर्टिकल 148 से 151 आता है। तो चलिए आर्टिकल 148 से अपन शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल जो कि इसका पॉइंट नंबर है, वो मैं बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 से आर्टिकल 148 से 151 में दिया गया है। और सीएजी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 148 में का जो पॉइंट नंबर 1 है वो अपन पढ़ेंगे कि सीएजी को अपॉइंट कौन करता है। तो सीएजी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और वहां पे क्या लिखा हुआ आगे, बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। तो इसका अपन मतलब समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। वैसे कहना चाहते हैं वारंट का मतलब तो है अपॉइंटमेंट लेटर, और हैंड एंड सील का मतलब है, हैंड का मतलब है जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें क्या होगा, साइन होगा, और सील का मतलब सील होगा किसकी, प्रेसिडेंट की। तो इसका क्या मतलब, वारंट अंडर हैंड एंड सील मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर है उस पे प्रेसिडेंट का साइन भी होगा और उस पे उसकी जो भी सील है वो भी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक बात इसमें ध्यान दे लीजिएगा, हमेशा क्या है, जो अपॉइंट करता है उसी को रेजिग्नेशन दिया जाता है। तो अगर सीएजी रिजाइन करेगा तो वो भी किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। ये मैं हमेशा से आपको बात बोलते आया हूँ कि जो अपॉइंट करता है अपन उसी को रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे इसके पॉइंट नंबर 2 में, दूसरे पॉइंट पे देखिए रिमूवल की बात है। पहले में क्या कि अपन ने अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और सीएजी रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को ही देगा। रिमूवल की बात, सेम प्रोसेस रहेगी, जो जज हो किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने का जो तरीका होगा वही तरीका क्या है, सीएजी को हटाने का होगा। देखिए रिजाइन क्या है, रिजाइन होता है मैं अपनी इच्छा से देता हूँ, या सीएजी जो अपनी इच्छा से कोई भी काम अपनी इच्छा से किया जाता है उसको कहते हैं रिजाइन। और रिमूवल क्या होता है, अगर उसने कोई गलती की या फिर उसने कुछ ऐसा काम किया है कि उसको हटाना पड़ रहा है तो रिमूवल कहेंगे। उसके लिए कौन सी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो प्रोसीजर है वही फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी जो सैलरी होती है, जो सीएजी की सैलरी होती है वो भी क्या है, इक्वल टू होती है किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के। सीएजी शपथ ओथ किसके सामने लेगा, या तो प्रेसिडेंट के सामने लेगा या फिर प्रेसिडेंट कोई ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने कोई पर्सन को अपॉइंट किया है उसके सामने लेगा। और ये जो ओथ है ये अपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स दिए हुए हैं, शायद 12 हैं, या हाँ शायद 12 ही है, उसमें थर्ड शेड्यूल में सीएजी की ओथ के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस। सीएजी की जो सैलरी है और जो भी अन्य कंडीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में दी हुई है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि सीएजी आफ्टर सीज्ड टू होल्ड ऑफिस नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस मे बी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए सीएजी ने क्या किया कि सीएजी ने अपने क्या है, अपना पद उसने छोड़ दिया, अपना ऑफिस उसने छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या है वो एलिजिबल नहीं रहेगा किसके लिए, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए वो क्या नहीं रहेगा, एलिजिबल नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 6 क्या कहना चाहता है कि अपना जो IAD है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस और जो सीएजी है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये कौन, इसके लिए रूल्स कौन बनाता है, इसके लिए रूल्स बनाता है प्रेसिडेंट। कंसल्ट किससे करता है वो, सीएजी से कंसल्ट, प्रेसिडेंट सीएजी से कंसल्ट करके कंडीशन ऑफ सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से संबंधित रूल बनाता है। एक पॉइंट इसमें रह गया है उसको मैं यहां लिख देता हूं कि जो
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, जिसको अपन एडमिन एक्सपेंसेज बोलते हैं सीएजी के, जैसे कि सैलरी है या फिर अलाउंसेज है या फिर उसकी क्या है पेंशन है, तो ये कहाँ से पेएबल होगा, तो ये सब है ना, ये सब होते हैं पेएबल कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उससे ये क्या होगा, वहां से इनको क्या है पे करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल अपन ने 148 की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 149 की तरफ। चलिए अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 149 की, जिसमें क्या है, जिसमें सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में बताया गया है। तो सीएजी क्या करेगा, अकाउंट्स की ऑडिट करेगा, किसके अकाउंट्स की, यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, कोई बॉडी है या कोई अथॉरिटी है, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 150 की बात करते हैं, आर्टिकल 150 में क्या कहा गया है कि जो अकाउंट्स है उनको तरीका कैसे होगा, अकाउंट्स को बनाने का फॉर्म कैसा होगा, किसके अकाउंट्स, यूनियन स्टेट के, कैसे होंगे, तो ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी लेगा, सीएजी की एडवाइस लेगा। एडवाइस तो उसको अल्टीमेट किसकी, सीएजी की लेनी पड़ेगी, क्योंकि सीएजी क्या है, उसका एक्सपर्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 151 की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का सीएजी का आखिरी आर्टिकल है। इसमें कह रहा है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट है, अगर यूनियन गवर्नमेंट है जिसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, तो सीएजी अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेगा उसको, लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, उसके सामने उसको क्या है रखवाएगा। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में सीएजी रिपोर्ट सबमिट करेगा गवर्नर को, और गवर्नर उसको कहाँ रखवाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में रखवाएगा। ऐसा ही एक केस और होता है, जैसे जो यूनियन टेरिटरीज है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें भी क्या होता है कि सीएजी रिपोर्ट सबमिट करता है, उसमें गवर्नर की जगह एडमिन होता है, तो उसको रिपोर्ट सबमिट करता है, और वो भी क्या करता है फिर उसको लेजिस्लेचर असेंबली के सामने सबमिट करवाता है। तो ये अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर ली, अब अपन अपने मेन एक्ट पे आएंगे, डीपीसी एक्ट, जिसमें 1 to 26 सेक्शन दिए हुए हैं, उन सब के बारे में अपन एक एक पॉइंट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, और मैंने उसको कुछ शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप अगर चाहें तो उसको सामने आप डीपीसी एक्ट लेके बैठ सकते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ाता रहूंगा, आप उसको पढ़ के और आप बुक में से उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ, तो आपको क्या है वो चीज बहुत आसान लगेगी समझने में। चलिए शुरू करते हैं डीपीसी एक्ट। चलिए अब अपन क्या है मेन डीपीसी एक्ट की बात करेंगे। अपन इतनी देर क्या कर रहे थे, इतनी देर डीपीसी एक्ट की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। डीपीसी एक्ट, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें कितने चार चैप्टर है, 26 सेक्शन आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले सेक्शन 1 पे आते हैं, टाइटल, अदर एक्ट अपन ने पढ़े हैं, टाइटल क्या कहेंगे इसको, सीएजी डीपीसी एक्ट कहेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 इसको कहा जाएगा। डेफिनेशंस इसमें दो ही पढ़ेंगे अपन, एक तो अकाउंट्स की डेफिनेशन आप जानते हैं, अकाउंट्स कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये क्या है, ये अकाउंट्स होते हैं। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि जो मैन्युफैक्चर करता है उसका अकाउंट्स तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है उसका अकाउंट कौन सा होगा, उसके ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट होते हैं। दूसरी बात करेंगे अपन अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जो अकाउंट्स रिलेटेड है किससे, एक्सपेंडिचर से, जो अकाउंट्स रिलेटेड है एक्सपेंडिचर से, और वो एक्सपेंडिचर कहां से हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, या तो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से हो या स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से कोई एक्सपेंडिचर हुआ हो, उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको क्या कहेंगे अपन, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहेंगे। थर्ड बात करते हैं सैलरी, सीएजी की सैलरी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज,
सीए को हटाने का तरीका इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, सेम है सुप्रीम कोर्ट जज। सेक्शन फोर की बात करेंगे टर्म्स। देखिए अपन ने जितने भी एक्ट पढ़े, जितने भी, वहां पे कहीं पे भी सिक्स इयर्स नहीं आता, सभी जगह क्या आता है फाइव इयर्स आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने सीएजी के टर्म्स क्या है, या तो 6 साल या फिर 65 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। जैसे 62 इयर्स है तो 3 साल बाद 65 इयर्स हो जाएगी, तो वो 65 पे रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी एज 58 है तो 6 ईयर क्या होगा, 64 का होगा, तो वो 64 पे रिटायर हो जाएगा। रिजाइन इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो रिजाइन भी किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। आगे अपन इसकी बात करते हैं सेक्शन 5 और 6। सेक्शन 5 की बात करेंगे, उसमें क्या है, लीव के बारे में बताया गया है। तो लीव कितनी मिलेगी उसको, जो भी जैसे जिस भी टाइम पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे आज के टाइम पे जो रूल है उसके हिसाब से उसको लीव दी जाएगी। और लीव को सैंक्शन कौन करेगा, ग्रांट या फिर रिवोक, कैंसल कौन करेगा या फिर कर्टेल, उसको कम या ज्यादा कौन करेगा, वो अधिकार है प्रेसिडेंट के पास में। जैसे अपनी लीव कौन सैंक्शन करता है, या तो सीनियर है हो या डीडी, ये लोग अपनी लीव सैंक्शन करते हैं। तो ऐसे ही सीएजी की लीव कौन सैंक्शन करता है, प्रेसिडेंट सैंक्शन करता है। सेक्शन 6 में पेंशन की बात की गई है। तो पेंशन के बारे में इसमें ऐसे कहा गया है कि उसको 15,000 रुपए पर एनम पेंशन मिलेगी। तो अगर आज की डेट की अपन बात करेंगे तो 15,000 रुपए तो बहुत मामूली रकम है, इतनी पेंशन नहीं। तो उसमें ऐसे भी लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ डेट टाइम, मतलब आज के टाइम के हिसाब से जो भी रूल्स चल रहा है उसके हिसाब से जो भी उसको पेंशन पेएबल है वो मिलेगी। सेक्शन 7 इसमें हटा दिया गया है। सेक्शन 8 में जीपीएफ के बारे में कहा गया है। जीपीएफ क्या होता है, जीपीएफ होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जो सीएजी का कोई भी पर्सन है वो सब्सक्राइब कर सकता है। आज की डेट में जीपीएफ तो लागू हो नहीं रहा, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में एनपीएस है ना, जो भी अपनी पेंशन स्कीम है आज की डेट में तो वो है, लेकिन पहले जीपीएफ हुआ करता था, उसके बारे में सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 9 में कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं दी गई है तो उसको अपन छोड़ते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे सेक्शन 10 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक्ट है ना बहुत इजी एक्ट है, और अब जो सेक्शंस आएंगे वो अपने लिए मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड थे, वो सीएजी की किससे, ड्यूटीज और पावर से रिलेटेड है। तो वो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अपने को सभी सेक्शन क्या है ध्यान से पढ़ने हैं और ध्यान से समझने हैं और जहां तक हो सके याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन क्या करेंगे, सेक्शन 1 to 9 में तो अपन ने क्या है सीएजी की कंडीशन ऑफ सर्विस पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 10 से 20, जिसमें क्या है ड्यूटीज और पावर्स दी गए है सीएजी के लिए। ये एक प्री, अगर आप ऐसे प्री देते हैं तो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएस प्री के लिए लगभग 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये अपने को पढ़ लेना है। सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में दिया है। कंपाइलेशन क्या है समझ लीजिए, जैसे आपने सुना होगा कि बुक कंपाइल करते हैं, कंपाइल मतलब जो भी, जैसे मान लो कोई बुक लिखी है तो उसको क्या है कि उसको जितने भी जो पेजेस है उन सबको क्या है एक सिक्वेंस में लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कंपाइल करना कहते हैं। तो ऐसे ही क्या है सेक्शन 10 में क्या है सीएजी क्या करता है, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स करता है। अब देखिए सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया है, 1 में दो बातें कही गई है कि सीएजी क्या करेगा, एक तो अकाउंट्स का कंपाइल करेगा, कौन से अकाउंट, जो भी इनिशियल और सब्सिडियरी अकाउंट है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। दूसरा वो क्या करेगा, कीपिंग करेगा अकाउंट्स, जो ऐसे रिलेटेड जो अकाउंट्स है उनको रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है, वो भी सीएजी की है। अब देखिए चाहे सेक्शन 10 हो या चाहे सेक्शन 11 हो, हमेशा ये बात आएगी कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट आएंगे, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सीएजी से कंसल्ट करके वो रिलीव कर सकते हैं फ्रॉम अबोव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सीएजी से डिस्कस करेंगे और इस काम से उसको फ्री कर देंगे, और ये काम आगे से फिर सीएजी को नहीं करना है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेंगे। क्यों,
क्योंकि देखिए गवर्नर अपॉइंट किसके द्वारा होता है, गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो गवर्नर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। और ये क्या है, सीएजी से कंसल्ट करेंगे, और ये भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स है उससे क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। दोनों में सेम बात है, अगर यूनियन गवर्नमेंट के केस में है तो प्रेसिडेंट करेगा, और गवर्नर अगर स्टेट गवर्नमेंट के केस में है तो गवर्नर करेगा। इसके बाद सेक्शन 10(2) है, सेक्शन 10(2) में क्या कहा गया है, उसमें बस इतना सा कहा गया है कि अगर मान लो जब तक ये डीपीसी एक्ट लागू नहीं हुआ था, इसके पहले की बात है, 1971 के पहले की कभी की बात है, कि जैसे मान लो सीएजी क्या नहीं कर सकता, सीएजी नहीं करता था तब कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट, कोई और कोई एजेंसी थी वो करती थी, क्या कहते सीएजी कंपाइल नहीं करता था अकाउंट, और कोई एजेंसी थी वो करती थी, तो ये एक्ट बनने के बाद भी है ना, जो वही एजेंसी क्या करेगी, कंपाइलेशन करेगी जब तक कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर उसको कैंसिल नहीं कर दे, उसको रिवोक नहीं कर दे। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में कहा गया है, ठीक है। चलिए वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि कोई भी एनी पर्सन अदर देन सीएजी, सीएजी के अलावा अगर कोई कंपाइलेशन और कीपिंग कर रहा है, अकाउंट्स को रख रहा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एक्ट के शुरू होने से पहले की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू वो ही करेगा उसका कंपाइलेशन और उसको रखेगा जब तक, अनलेस रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, जब तक कि वो कैंसिल नहीं किया जाता है, रिवोक का मतलब कैंसिल नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट कब, इन द केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और गवर्नर कब, इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन 11 के लिए। सेक्शन 11 में देखिए, सेक्शन 10 में क्या था, कंपाइलेशन था, सेक्शन 11 में क्या करेगा, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑफ अकाउंट्स। सीएजी क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा अकाउंट्स, कौन से अकाउंट, जो या तो उसने खुद ने कंपाइल किए हैं, कंपाइल्ड बाय हिम, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के अकाउंट, या फिर गवर्नमेंट ने किसी और के लिए कहा गया है, उस पर्सन के अकाउंट क्या करेगा, सीएजी प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद ही क्या करेगा, सबमिट करेगा, किसको करेगा, अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नर को, और अगर यूटीज है विद लेजिस्लेटर असेंबली तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को। तो इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, सीएजी क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा और सबमिट करेगा अकाउंट्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 12 की बात करेंगे। सेक्शन 12 में क्या कह रहा है कि सीएजी गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस, मतलब इंफॉर्मेशन देगा और असिस्टेंस मतलब सहायता करेगा। अब कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, सीएजी ने जो अकाउंट्स कंपाइल किए हैं सेक्शन 10 के अंदर, उससे अगर रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या यूटीज को, तो वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, सीएजी। दूसरा क्या कह रहा है, असिस्टेंस, किस चीज में असिस्टेंट देगा, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसके प्रिपरेशन में ये क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो सेक्शन 10 क्या था, कंपाइल अकाउंट, सेक्शन 11 क्या था, प्रिपेयर करेगा अकाउंट्स को और सबमिट करेगा, और सेक्शन 12 क्या था, इंफॉर्मेशन देगा और असिस्टेंस प्रदान करेगा। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 की बात करेंगे, सेक्शन 13 में क्या है, ऑडिट से रिलेटेड जो भी जनरल प्रोविजंस हैं उनकी बात की गई है, इसमें भी कुछ इतना खास नहीं कहा गया। इसमें कह रहा है कि सीएजी ऑडिट करेगा किसकी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या फिर यूटी, इनमें से जो भी कंसोलिडेटेड फंड में से जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है कि जो भी कंटिंजेंसी फंड है या फिर पब्लिक अकाउंट है, कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड का एक कुछ पार्ट रखा जाता है, शायद 7.5 से 12.5 तक, वो इमरजेंसी के लिए, कि कोई भी इमरजेंसी आ गई तो उसको तुरंत खर्च किया जाए, तो वो कंसोलिडेटेड फंड का ही एक पार्ट होता है। तो कंटिंजेंसी फंड से अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर पब्लिक अकाउंट से, पब्लिक अकाउंट जहां से, जहां पब्लिक का पैसा आता है, जो भी अपना पैसा है वो वहीं पे जाता है, जैसे फाइन वाइन का शायद पैसा यहीं पे जाता है, तो ये जो भी इंडिया, स्टेट या यूटी सा कंटिंजेंसी फंड भी, या तो इंडिया का होगा या स्टेट का होगा, यूटी का होगा,
तो उसके ट्रांजेक्शन की ऑडिट भी कौन करेगा? सीएजी करेगा, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकी इनकी ऑडिट कौन करेगा? इनकी ऑडिट भी सीएजी करेगा। ये कौन किस चीज के अकाउंट्स है? देखिए, ये यूनियन गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, या फिर यूटीज के, ठीक है। इनके जो भी अकाउंट्स है उनकी ऑडिट भी क्या कौन करेगा? सीएजी करेगा। अब देखिए, अपन सेक्शन 14 की बात करेंगे। सेक्शन 14 में क्या है? सेक्शन 14 में है कि सीएजी उस बॉडी और अथॉरिटी की ऑडिट करेगा जो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है। जो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है कहां से? या तो यूनियन गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब उसको बड़ी मात्रा में पैसा दिया गया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसकी ऑडिट के बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है। तो थोड़ा उसमें से क्या है कि एक दो पॉइंट है वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है सेक्शन 14 में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 के। चलिए तो सेक्शन 14 की बात करेंगे। सेक्शन 14 में क्या कह रहा है कि ऑडिट किसकी? रिसीट और एक्सपेंडिचर की। रिसीट और एक्सपेंडिचर किसका? कोई भी बॉडीज या अथॉरिटीज है, कोई भी बॉडीज या अथॉरिटीज है। कौन सी बॉडीज अथॉरिटीज है? जो सबसे सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, मतलब उसको बहुत ज्यादा फाइनेंस दिया गया, या तो यूनियन के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके बारे में बात करेंगे सेक्शन 14 में। कुछ नहीं है, बहुत इजी सेक्शन, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बॉडी या अथॉरिटी है अगर वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, सब्सटेंशियली फाइनेंस का क्या मतलब है कि या तो उसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है या फिर उसको लोन मिला है। ग्रांट मिली है तो चुकाना नहीं पड़ेगा, लोन मिली है तो चुकाना पड़ेगा। और ये कहां से दी गई है? कंसोलिडेटेड फंड से। अब कंसोलिडेटेड फंड के कौन से? अगर देखिए यूनियन गवर्नमेंट का केस है तो इंडिया से, और स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो स्टेट से, और यूनियन टेरिटरी का केस है तो यूटीज से, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो। उसके कंसोलिडेटेड फंड से किसी भी बॉडी या अथॉरिटी को ग्रांट या लोन दिया गया बड़ी मात्रा में, तो उसकी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर उसकी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। ठीक है, दोबारा समझिएगा कि कोई भी बॉडी या अथॉरिटी है उसको ग्रांट और लोन दिया गया है बड़ी मात्रा में, सब्सटेंशियली मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, तो कहां से दिया गया? कंसोलिडेटेड फंड से। तो उसकी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, इस बॉडी की रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन सबसेक्शन है, 14.1, 14.2 और 14.3। 14.1 और 2 को देखिए। अगर ये जो ग्रांट्स एंड लोन, जो ग्रांट एंड जो लोन्स है वो दिए गए हैं, अगर ये है नॉट लेस देन 25 लाख, देखो उस एक्ट में लिखा गया नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का क्या मतलब है? या तो 25 लाख के बराबर या फिर उससे ज्यादा। नॉट लेस देन का यही तो मतलब हुआ कि या तो 25 लाख के बराबर या फिर उससे ज्यादा। तो अगर ग्रांट और लोन 25 लाख के बराबर या उससे ज्यादा है, और जो उस कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 75% या उससे ज्यादा है, जो ग्रांट दी है ना वो उसके टोटल खर्चे के 75% से ज्यादा है, तो इस केस में क्या है? इसकी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। अगर 25 लाख से अधिक किसको ग्रांट मिली है और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसके 75% से अधिक है, ठीक है। जैसे मान लो इसका एक्सपेंडिचर मान लो आप 40 लाख रुपए है, तो 40 लाख का 75% कितना हो गया? 30 लाख रुपए हो गया ना। तो ये क्या है? ये इससे तो अधिक नहीं हुई, ये तो कम हो गई। तो ऐसा ही वो केस है, जैसे मान लो कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए टोटल एक्सपेंडिचर, या 28 लाख मान लो, तो 28 लाख टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उसका 25% कितना हो गया? 24 लाख। तो वो क्या है? 25 लाख से क्या हो गया? वो कम हो गया ना। चलो तो सब भूल जाओ पुराना, अब देखो वापस समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि अगर उसको ग्रांट और लोन मिला है 25 लाख से ज्यादा, 25 लाख के बराबर या उससे ज्यादा, और ये 25 लाख है इसके कुल खर्चे के 75% के बराबर या फिर ज्यादा है, अगर ये दोनों केस फुलफिल हो रहे हैं तो उसकी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा, सेक्शन 14.1 के अंतर्गत। 14.2 में क्या है?
अगर यही 1 करोड़ से ज्यादा हो, जो ग्रांट और लोन मिला है वो इसमें भी वही लिखा है, नोट लेस देन या तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो, इसमें केवल एक ही कंडीशन है। ये क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में इतना होना चाहिए, तो उसकी ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा 14(1) के अंतर्गत इस कंडीशन में करेगा और 14(2) के अंतर्गत इस कंडीशन में करेगा, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3 आगे। सेक्शन जो 14 है उसका सबसेक्शन 3 है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ऐसे कह रहा है कि कोई भी बॉडी या अथॉरिटी अगर उसकी ऑडिट की जा रही है सीएजी के द्वारा किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके बाद में क्या है कि उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी ऑडिट हो गई, जैसे मान लो कि 1920 में उसकी ऑडिट हो गई सीएजी के द्वारा, अब क्या है कि नॉट फुलफिल कंडीशन ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 14(2) ड्यूरिंग टू सबसिक्वेंट ईयर्स। अब क्या हुआ, 1920 में तो उसने क्या कंडीशन फुलफिल की थी, तो उसकी ऑडिट सीएजी के द्वारा हो गई। अब क्या हुआ कि अगले 2 सालों में 2021 और 2022 ये 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए, इसमें क्या है इन्होंने सेक्शन 41 और 42 दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तब भी क्या है सीएजी ऑडिट दैट बॉडी और अथॉरिटी फॉर फर्दर 2 ईयर्स, उसके बाद भी क्या करेगा सीएजी उसकी ऑडिट करेगा अगले 2 सालों के लिए 2021 और 2021-22 में। तो इसमें देखिए एक सिंपल सी बात यह है कि सीएजी ने किसी बॉडी की ऑडिट की 19-20 में, आगे 2 सालों में बॉडी ने उस सेक्शन की कोई वो कंडीशन वो फुलफिल नहीं की, तो भी सीएजी क्या है ऑडिट करता रहेगा अगले 2 सालों के लिए उस बॉडी और अथॉरिटी की, बस इतनी ही बात इसमें कही गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अपन सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 की बात करेंगे, सेक्शन 14 में था कि ग्रांट्स और लोन किसको दिए गए सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडी या अथॉरिटी, इसमें क्या ग्रांट और लोन दिए गए स्पेसिफिक पर्पज से, वहां क्या था ज्यादा अमाउंट दिया गया था लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफिक पर्पज के लिए अमाउंट दिया गया, तो इसमें भी 2 सबसेक्शन है 1 और 2, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी कहा गया है कि कोई भी बॉडी और अथॉरिटी जिसको ग्रांट एंड लोन दिया गया कंसोलिडेटेड फंड से, चाहे इंडिया स्टेट चाहे यूटी किसी के से भी, तो सीएजी क्या करेगा उस प्रोसीजर को स्क्रूटिनाइज करेगा, मतलब उस प्रोसीजर को देखेगा जिस प्रोसीजर से लोन ग्रांट और लोन दिया गया है, और दूसरा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि क्या कंडीशन फुलफिल की गई थी तभी ग्रांट या लोन मिला दिया गया है या नहीं दिया गया, ये 2 चीजें देखेगा। साथ के साथ उसको क्या अधिकार होगा, उसको उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का अधिकार होगा। ये सेक्शन 15A में कहा गया है, इसमें सीधा सीधा ये है कि सीएजी अगर कंसोलिडेटेड फंड से लोन दिया गया तो सीएजी उसकी क्या करेगा ऑडिट करेगा। 15(2) में क्या कहा गया है कि वही है सब बातें, लेकिन उसकी ऑडिट किसके द्वारा की है, अदर एजेंसी सीएजी, सीएजी उसकी ऑडिट नहीं कर रहा, उसकी ऑडिट और कोई एजेंसी कर रही है, क्योंकि वो कॉरपोरेशन या बॉडी अथॉरिटी वो इस तरह से इस्टेब्लिश हुआ है कि उसकी ऑडिट है ना जो सीएजी नहीं करता कोई और कोई करता है। ऐसे केस में भी अगर प्रेसिडेंट गवर्नर या एडमिन ये अगर चाहे तो ये ऑथोराइज कर सकते हैं सीएजी को उस बॉडी अथॉरिटी और कॉरपोरेशन की ऑडिट करने के लिए। तो इसमें तो क्या कहा गया है सीएजी ऑडिट करेगा, इसमें क्या कहा गया है कि सीएजी को ऑथोराइज किया जा सकता है जिसकी वो ऑडिट नहीं कर रहा है फिलहाल, उसकी ऑडिट करने के लिए उसको ऑथोराइज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 16 की तरफ। अब बात करेंगे अपन सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 में क्या है, रिसीट की ऑडिट के बारे में कहा गया है। तो सीएजी क्या करेगा, उन रिसीट की ऑडिट करेगा जो कंसोलिडेटेड फंड से पे किए गए हैं, जो पेएबल है या तो पे किए जाने हैं या फिर पे किए जा चुके हैं, तो उनकी ऑडिट क्या कौन करेगा, सीएजी करेगा, और वो अपने आप को सेटिस्फाई भी करेगा, वो देखेगा कि क्या जो रूल्स एंड प्रोसीजर है वो इफेक्टिव है क्या असेसमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए और रिवेन्यू के अलोकेशन के लिए, और इसके लिए चाहे तो वो एग्जामिन भी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, किसके लिए इन सबको चेक करने के लिए। तो ये कहा गया है सेक्शन 16 में, क्या कहा गया है कि रिसीट की ऑडिट करेगा जो कंसोलिडेटेड फंड से पेएबल है, और रूल्स और प्रोसीजर को भी देखेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि सब कुछ फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद में सेक्शन 17 की बात कर ले,
ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, इसमें क्या कहा गया है कि सीएजी ऑडिट करेगा अकाउंट्स के, किसके अकाउंट्स के, जो भी स्टोर्स के अकाउंट है और स्टॉक्स के अकाउंट है इनकी ऑडिट करेगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे सेक्शन 18 की तरफ, जो कि अपना सबसे मेन सेक्शन है। चलिए सेक्शन 18 क्या है अपने लिए, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, पावर ऑफ सीएजी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं इसके संबंध में अपनी पावर्स क्या क्या है, अपन जब ऑडिट करने जाते हैं तो वहां पे अपन क्या क्या पावर्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 18(1) में क्या कहा गया है, सीएजी सबसे पहले क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है किसको, अकाउंट्स ऑफिसर्स को, जो भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑफिस है उनको इंस्पेक्ट करने का इसके पास राइट है, ये सेक्शन 18(1) में बताया गया है, ये अपना अधिकार है। दूसरा, उन ऑफिसर्स को जो इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स को रखते हैं, किनको इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी अकाउंट्स ऑफिस जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर उन ऑफिसों को जो इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स रखते हैं, ठीक है, पहले पॉइंट ये हो गया ये। दूसरा, कोई भी बुक्स है, अकाउंट्स है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है जिस जो वो ऑडिट कर रहा है, सीएजी या उसके बिहाफ पे कोई भी ऑडिट कर रहा है रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑडिटेड बाय हिम, तो अगर उसके जिसके वो ऑडिट कर रहा है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या फिर जो ऑडिट कर रहा है उससे रिलेटेड इनमें से कोई भी चीज है तो वो कहां पे भेजनी है, सेल बी सेंट सच प्लेसेस वेयर ही अपॉइंट्स फॉर इंस्पेक्शन, तो उनको कहां पे भेजना पड़ेगा, जहां पे वो ऑडिटर बैठा है ऑडिट करने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है यहां से इसको यहां पे पहुंचाना जरूरी है। और ये किसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी होती है जो भी पर्सन इंचार्ज होता है जिसको अपन लाइजन ऑफिसर बोलते हैं। तीसरा, अपने पास क्या राइट है कि अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं, पर्सन इंचार्ज से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं या फिर उससे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, उससे कोई इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। तो अपने सेक्शन 18(1) में अपने पास ये तीन अधिकार अपने को दिए गए हैं। सेक्शन 82 क्या कहता है कि जो भी पर्सन इंचार्ज है उसकी क्या ड्यूटी है, जैसे अपन जिस ऑफिस में ऑडिट करने जा रहे हैं तो उस ऑफिस में क्या होता है, एक लाइजन ऑफिसर होता है, वही क्या है अपने को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन अपन उसी से करेंगे, तो उसको पर्सन इंचार्ज कहते हैं। उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज फॉर इंस्पेक्शन, मुझे हाँ अपने को क्या इंस्पेक्शन से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और अपन जो भी कोई इंफॉर्मेशन उससे मांगे वो अपने को क्या है पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को दे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे, ये वहां पे जो भी पर्सन इंचार्ज है उसका ये क्या है, उसकी ड्यूटी है। तो ये सेक्शन 18 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने लिए, इसमें अपने क्या है अपने राइट्स पता चल रहे हैं कि अकाउंट्स की ऑडिट के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 19 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 19 में क्या है, गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन की अकाउंट्स की ऑडिट के बारे में बताया गया है। तो इसमें कुछ ही नहीं है, इसमें तीन सब सेक्शन है, 1, 2, 3। 1 में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट कंपनी है उसकी ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा, लेकिन कौन से रूल्स के अंडर करेगा, तो कंपनीज एक्ट के अनुसार उसकी ऑडिट करेगा। 2 में क्या कहा गया कि कॉरपोरेशन उसकी ऑडिट भी कौन करेगा, सीएजी करेगा, लेकिन मतलब कौन से रूल्स के बेसिस पे करेगा, तो प्रोविजन ऑफ रेस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, जिस लेजिस्लेशन में वो है उसके जो भी रूल्स है उसके हिसाब से उसकी ऑडिट करेगा। 3 में क्या कहा गया है कि कोई भी गवर्नर या फिर जो भी एडमिन है यूटीज का जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो रिक्वेस्ट टू सीएजी फॉर ऑडिट ऑफ कॉरपोरेशन विच इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो सीएजी से रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज के लिए कि आप एक कॉरपोरेशन है उसका ऑडिट कीजिए जिसका ऑडिट सीएजी पहले नहीं करता था और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो सीएजी उसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। तो इसमें यही बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिट किसके हिसाब से होगी, कंपनीज एक्ट के अनुसार, कॉरपोरेशन है तो लेजिस्लेशन के हिसाब से, और अगर कोई कंपनी कॉरपोरेशन है जिसकी ऑडिट सीएजी नहीं करता लेकिन गवर्नर या एडमिन उससे रिक्वेस्ट करते हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सीएजी उसकी भी ऑडिट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 19। चलिए सेक्शन 19 ए की बात करेंगे। सेक्शन 19 ए में क्या कहा गया है कि रिपोर्ट्स को रखवाने से संबंधित बात की गई है, लिंक ऑफ रिपोर्ट्स।
इसमें भी तीन सबसेक्शन है, 1, 2, 3। 1 में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन है उसकी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किसको करेगा, या तो गवर्नमेंट को करेगा, गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर यूटी को, या फिर गवर्नमेंट कंसर्न को करेगा। सेक्शन 2 में क्या कहा, सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो रिपोर्ट कहाँ रखवाएगा, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में रिपोर्ट रखवाई जाएगी। और सेक्शन 19(a)(3) में क्या कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो रिपोर्ट कहाँ रखवाएगी, वो अपनी लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा में अपनी रिपोर्ट रखवाएगी। तो ये हुआ सेक्शन 19 है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 में क्या कहा गया है, सेक्शन 20 में कहा गया है कि कुछ सर्टेन अथॉरिटीज है उनकी अकाउंट्स की ऑडिट कौन करेगा। तो इसमें देखिए तीन सबसेक्शन है इसमें भी, जैसे 19(a)(3) वैसे 20 में भी 3 है। इनमें देखो एकदम नॉर्मल सी बात की गई है। 20(a) में क्या कहा गया, कोई भी बॉडी या अथॉरिटी नॉट इंटरेस्टेड ऑडिट टू सीएजी, सीएजी को उस बॉडी और अथॉरिटी की ऑडिट नहीं दी गई है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे भी केस हो, अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं सीएजी से कि नहीं आपको इसकी ऑडिट करनी पड़ेगी इस बॉडी या अथॉरिटी की, तो सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। सेक्शन 20 तो में उसका उल्टा है, इसमें तो किसने रिक्वेस्ट की, इसमें तो रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर एडमिन ने। इसमें कौन रिक्वेस्ट करेगा, इसमें सीएजी रिक्वेस्ट करेगा इनसे कि मैं इसकी ऑडिट करना चाहता हूं या हम इसकी ऑडिट करना चाहते हैं, क्योंकि उस बॉडी और अथॉरिटी में क्या है कि कुछ कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा दिया हुआ होगा या फिर और कोई रीजन होगा। तो इसमें तो क्या है, इसमें तो प्रेसिडेंट, गवर्नर है आगे से रिक्वेस्ट किए सीएजी से ऑडिट करने के लिए, लेकिन इसमें सीएजी रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप मुझे अप्रूवल दो कि मैं इसका ऑडिट कर सकूं, तब इन दोनों केस में सीएजी ऑडिट करेगा। 3 में क्या कहा गया सब्जेक्शन में कि ये दोनों काम तभी होंगे जब पब्लिक इंटरेस्ट होगा, अगर ऑडिट सीएजी को तभी सौंपी जाएगी जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगी अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अपन ने सेक्शन 10 से 20 की बात की थी जो किससे रिलेटेड थे, ड्यूटीज एंड पावर, सीएजी की जो ड्यूटीज एंड पावर है उससे रिलेटेड थे, वो अपना खत्म हो चुका है। अब अपन आएंगे लास्ट अपने जो सेक्शंस है 21 से 26, जिसको मिसलेनियस कहा गया है। अब इसमें सेक्शन 21 में क्या कहा गया है, डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में कहा गया है, सीएजी की क्या डेलीगेशन ऑफ पावर है। तो इसमें कहा गया है कि सीएजी अगर चाहे तो वो अपने जनरल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर, कोई भी एक ऑर्डर निकालेगा और डेलीगेट कर देगा अपनी पावर को किसी ऑफिसर्स को, जो उसको ठीक लगेगा उस ऑफिसर को वो चाहे तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। लेकिन अगर सीएजी क्या है, छुट्टी पे है, अगर सीएजी छुट्टी पे है तो कोई भी ऑफिसर क्या है कि रिपोर्ट है ना सीएजी के बिहाफ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिट को सबमिट नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई गफले वाली रिपोर्ट होगी, सीएजी को छुट्टी पे भेज देंगे और कोई अपना आदमी लगा के उसको करवा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए ये काम किया गया है। तो ये सेक्शन 21। अब बात करेंगे सेक्शन 22 की। चलिए तो अपन ये एक्ट का एंड करने जा रहे हैं। सेक्शन 22 की बात करेंगे कि रूल्स बनाने का पावर किसके पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीएजी से कंसल्ट करेगी, उसके बाद में वो नोटिफिकेशन निकालेगी अपने ऑफिशियल गजट में और रूल्स बनाएगी जो कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होंगे। तो उससे रूल्स बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 23 में कहा गया है कि रेगुलेशंस बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वो सीएजी के पास है। सेक्शन 24 में क्या कहा गया है कि पावर टू डिस्पेंस विद डिटेल्ड ऑडिट, डिटेल ऑडिट के बिना, डिस्पेंस विद मतलब उसके बिना काम चलाया जा सकता है, तो डिटेल ऑडिट के बिना काम चलाने की पावर किसके पास है, ये भी सीएजी के पास है। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आप ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सेक्शन 25 हटा दिया गया और सेक्शन 26 में रिमूवल ऑफ डाउट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो
ये अपना क्या है कि डीपीसी एक्ट अपन ने शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी पढ़ लिया, आर्टिकल 148 से 151 जो कि डीपीसी का पार्ट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। उसके बाद अपन ने डीपीसी के पूरे सेक्शन 1 से लेके 26 तक जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे पढ़े हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे पॉइंट समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अपन बात करेंगे, अपना ये एक्ट तो खत्म हो गया, अब इसमें अपन एक बार बात कर लेते हैं सेक्शन 10 से 20 तक की। सेक्शन 10 में क्या था, सेक्शन 10 में कंपाइलेशन था, सेक्शन 11 में क्या था, सेक्शन 11 में था प्रिपेयर एंड सबमिशन, सेक्शन 12 में क्या था कि इंफॉर्मेशन देना और असिस्टेंट प्रोवाइड करना, सेक्शन 13 में क्या था जनरल प्रोविजंस थे ऑडिट से रिलेटेड, सेक्शन 14 में क्या था कि जो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड उनकी ऑडिट के बारे में था, 15 में जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया था उसके बारे में, 16 में क्या था रिसीट की ऑडिट के बारे में था, 17 में क्या था ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक के बारे में था, 18 में अपनी पावर्स के बारे में बताया गया था कि अपन जब ऑडिट पे जाते हैं तो अपने जो 18 सबसेक्शन 1 के अंदर जो पावर्स दी है वो अपन यूज कर सकते हैं। सेक्शन 19 में गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन से संबंधित ऑडिट के बारे में बताया था, 19A में रिपोर्ट्स रखवाने के लिए, 20 में क्या बताया, 1 में बताया कि प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा सीएजी से तब सीएजी ऑडिट करेगा, 22 में क्या बताया कि सीएजी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ऑडिट करनी है तो ये ऑडिट करेगा। तो 10 से 20 तक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनमें रूल्स का सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन सीएजी और एंड में ये सेक्शन 24 डिटेल रिपोर्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब है ना जो अपना सेक्शन पूरा हुआ है, मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, काफी मेहनत भी की है। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं वही कहूंगा एंड वाली बात कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपके स्क्रीन पे जो बेल आइकन बटन है वो आप दबाएं ताकि अगर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। हाँ अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी अच्छा सा आप लिखे ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अधिक वीडियो बना सकूं और आपके और ज्यादा हेल्प कर सकूं। चलिए थैंक यू वेरी मच।